जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ डाटा वैलिडेशन के बारे में। यूज ऑफ डाटा वैलिडेशन का प्रयोग एक्सेल में क्यों किया जाता है, इसका क्या मतलब होता है, वही आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम डाटा वैलिडेशन के बारे में बात करें तो इसका मेन वर्क होता है एक्सेल की किसी सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना। जैसे आप एग्जाम्पल समझिए, इस पॉइंट पे हम क्लिक करें तो इससे संबंधित बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है ना, लेकिन ऐसा ही लिस्ट हम एक्सेल के सेल में बनाएं, उस पॉइंट पे क्लिक करें तो ऐसे इंटरफेस हमको देखने को मिले। जैसे आप देखिए, इस पॉइंट पे क्लिक करें तो इससे संबंधित बहुत सारा ऑप्शन खुल गया, इसमें से जो हमको सिलेक्शन करना है सिलेक्शन कर लेंगे, तब साइड पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। वैसे ही सेम सेम ऐसे ही हम एक्सेल में कैसे बनाएंगे, इसको हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। जैसे आपने देखा होगा कोई ऑनलाइन फॉर्म हम भरते हैं, जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कोई फॉर्म, जैसे ट्रिपल सी का फॉर्म यहाँ पे हम ले लेते हैं। जैसे ये ट्रिपल सी का फॉर्म हम भरते हैं तो उसमें से कुछ ऐसा मतलब ऑप्शन होता है जिसको आपको टाइप करना होता है, और कुछ ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें आपको बस क्लिक करना होता है। जैसे मान के चले कि इसमें हम सिलेबस में ट्रिपल सी ले लेते हैं, और यहाँ पे जो है देखिए, अब जैसे मान के चलिए कि अगर हमको मेल का फॉर्म भरना है तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में यहाँ पे मिस्टर लेना पड़ेगा। बोलिए, मिस्टर लेना पड़ेगा ना कोई फॉर्म भरते हैं तो। ऐसे ही मान के चलिए कि आपको जो है जिले का नाम आपको भरना है, इतना सारा लिस्ट आपको मिल गया, इसमें से अपने जिले का नाम जो अपना कुशीनगर जिला है उसी जिले को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, उसी जिले को हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। पहले यहाँ पे स्टेट पूछ रहा है, स्टेट में पहले उत्तर प्रदेश भरेंगे, उत्तर प्रदेश भरने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भरेंगे कुशीनगर। तो क्या इस कुशीनगर और डिस्ट्रिक्ट को, कुशीनगर या स्टेट को हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, उस लिस्ट में आ रहा है, उस लिस्ट को हम यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं, सेलेक्ट कर ले रहे हैं। सेम ऐसे ही लिस्ट हम एक्सेल के सेल में कैसे बनाएंगे, वही आज की क्लास में हम जानने वाले हैं, ठीक है ना। उसी को हम बोलते हैं एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना, जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। इसको कैसे बनाएंगे वो मैं बताने वाला हूँ। देखिए, जैसे पहले तो हम यहाँ पे सीरियल नंबर यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, चलिए यहीं से फॉर्मेट कर ले रहे हैं पूरे ऑप्शन। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। अब जैसे इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है जब कोई डेटा एंट्री किया जाता है, तब मान के चलिए आपने बहुत सारे इम्प्लाइयों का नाम टाइप किया है, और अगर इम्प्लाई मेल है तो उसके सामने मिस्टर आपको लिखना है, लिखना नहीं है बस सिलेक्शन करना। अगर फीमेल है तो उसके सामने मिसेज या कुमारी आपको टाइप करना है, सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो जैसे नाम से पहले जो लिखा जाता है उसको हम टाइटल बोलते हैं, लेकिन कई लोग टाइटल क्या बोलते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, मैनेजर हो गया, एक प्रकार का टाइटल होता है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो टाइटल वही है जो नाम से पहले लगता है, मिस्टर या मिसेज। तो देखिए यहाँ पे तो चलिए पहले हम कुछ इम्प्लाइयों का नाम हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया राजेश, राजेश, किरण, नीरज, काजल और यहाँ पे मंटू, इतना नाम मैंने टाइप कर दिया ना। अब इसमें नाम से पहले हम चाहते हैं मिस्टर आ जाए, मिसेज आ जाए, तो क्या अब इस सेल में कहीं दिखा रहा है ऐसा ऑप्शन कि आप सिलेक्शन कर पाएंगे। देखिए इसके लिए करना क्या है, इसके लिए करना क्या है, देखिए सबसे पहले इस पूरे सेल को आप सिलेक्शन कर लीजिएगा, हेडिंग को छोड़ करके, हेडिंग को नहीं लेना। सिलेक्शन करने के बाद फिर आप आ जाइएगा डाटा टैब में, कहाँ पे आना है, डाटा टैब में, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा डाटा वैलिडेशन, दिख रहा है, इसी पे जस्ट क्लिक करिएगा, और क्लिक करते ही इसमें डाटा वैलिडेशन पहला वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इनपुट मैसेज का ऑप्शन मिलेगा, और एरर अलर्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो सेटिंग पे ही रहिएगा, और यहाँ पे एनी वैल्यू को हटा करके इसमें आपको ले लेना है लिस्ट, क्या लेना है, लिस्ट। इसके बाद से यहाँ पे सोर्स पूछा जा रहा है, तो सोर्स में आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा मिस्टर,
करिएगा, मैसेज पुनः कॉमा करिएगा, यहाँ पे कुमारी टाइप कर दीजिए, या ओनली केएम लिख लेते हैं, ये बड़ा हो जाएगा, और यहां से बस आपको ओके कर देना है। अब सोच रहे हैं इससे फायदा क्या होगा, इससे कुछ इंप्रूवमेंट दिखा? अब इस सेल में क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए पॉइंट बन गया, यहाँ पे आप मिस्टर ले लीजिए, इस पे क्लिक करिए आप यहाँ से कुमारी ले लीजिए, इस पे क्लिक करिए इस पे आप मिस्टर ले लीजिए, कोई दिक्कत? तो ऐसे अगर आपने नाम टाइप किया है तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के माध्यम से मिस्टर और मिसेज आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ये पहला तरीका रहा। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे ये सारे इंप्लाई हैं, तो मान के चलिए कि कोई इंप्लाई ऐसा है जिसका घर देवरिया है, कोई इंप्लाई ऐसा है जिसका हाटा घर है, कोई इंप्लाई ऐसा है जिसका कसिया घर है, कोई इंप्लाई ऐसा है जिसका रामकोला घर है, तो अलग अलग लिखने के बजाय आप एक लिस्ट बना लीजिए और उसी लिस्ट में से आप पूरे इंप्लाइयों का जो जिसका एड्रेस जहां पे है उस एड्रेस को आप सेलेक्ट करके देते जाइए। तो आप चाहेंगे तो डायरेक्टली सोर्स में लिख सकते हैं, और अगर आप डायरेक्टली लिखना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे साइड में कहीं आप टाइप कर लीजिए, जैसे मैंने रामकोला लिख दिया, फिर यहाँ पे मैंने कसिया टाइप कर लिया, फिर यहाँ पे मैंने देवरिया टाइप कर लिया, फिर यहाँ पे मैंने हाटा टाइप कर लिया, पटरोना मैंने टाइप कर लिया, अब जैसे मान के चले कि इतने सारे इंप्लाई काम करते हैं, मतलब इतने सारे इंप्लाई काम करते हैं जिनका एड्रेस यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, और हम ये चाहते हैं कि जैसे राजेश पटरोना के रहने वाले हैं तो उस लिस्ट को पूरा हम दिखाई दें, लेकिन उस लिस्ट में से केवल पटरोना सिलेक्शन करके यहाँ पे लिस्ट में ले लें, तो इसके लिए पूरे सेल को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप डाटा टैब में जाइए और डाटा वैलिडेशन पे आ जाइए, और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे एनी वैल्यू को हटा करके आपको लिस्ट ले लेना, और सोर्स पूछ रहा है ना, सोर्स में तो हम टाइप करते थे ना, अब टाइप आपको नहीं करना है, यहां से लेकर के यहां तक आप सिलेक्शन कर ले, दोनों ऑप्शन एक ही है, या तो आप सिलेक्शन करिए या तो आप लिखिए, और यहां से बस ओके कर देना। अब इससे क्या फायदा होगा, तो जैसे राजेश हैं तो राजेश रहने वाले हैं कसिया, किरण है तो किरण रहने वाले हैं हाटा के, ये नीरज हैं तो नीरज रहने वाले हैं पडरौना के, मतलब जिसका जो एड्रेस है, मैंने एड्रेस गलत लिखा है क्या? अच्छा ठीक अब सही है ना? है, ठीक चलिए बस करना क्या है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे, चूंकि मैंने मिस्टेक कर दिया था, सबसे पहले क्या करेंगे, एड्रेस के पूरे सेल को सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद डाटा टैब में चले जाएंगे, हेडिंग को छोड़ करके करिएगा, पुनः डाटा टैब में चले जाएंगे और यहां से डाटा वैलिडेशन ले लेंगे, इसमें आपको लेना है लिस्ट, और सोर्स में इस पूरे डेटा को सिलेक्शन कर लेना है, ओके कर लेना। आप यहाँ पे अलग अलग एड्रेस आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, सोचिए अगर आपको लिखना होगा तो टाइम लगेगा, लेकिन आपने क्या कर लिया, यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट बना करके आपने यहाँ से सिलेक्शन कर लिया, जो आपको लेना था आपने यहाँ पे क्या कर लिया, सिलेक्शन करके इंसर्ट करा दिया, यहां तक कोई दिक्कत? अब चलिए एक ऑप्शन यहाँ पे आता है एज, अगर आपसे ये कहा जाए कि हमारी कंपनी में काम वही इंप्लाई करेगा जिसका मिनिमम एज 18 ईयर और मैक्सिमम एज 40 हो, कौन सा फार्मूला लगेगा बोलिए? हम ये चाहते हैं इस पूरे सेल में जिसका जिसका एज 18 हो उसको एक्सेप्ट कर ले, और जिसका एज 40 तक हो उसको एक्सेप्ट कर ले, मतलब 40 से ऊपर नहीं और 18 से नीचे नहीं, कौन सा फार्मूला लगेगा? हाँ ये कौन पढ़ा है अकाउंट, रेंट बिटवीन का फार्मूला लगेगा, चलिए यहाँ पे रेंट बिटवीन का फार्मूला लिख देते हैं, 18 से लेकर के और कहाँ तक, 18 से कम ना हो और 40 से, आप इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, इसको फिक्स भी करना होता है, राइट क्लिक करेंगे कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करेंगे पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और यहाँ वैल्यू ले लेंगे, अब ओके कर देंगे, यही आपने बताया है ना, तो क्या है अगर हम यहाँ पे 29 को हटा करके 30 लिखेंगे, सॉरी अगर 29 को हटा करके 45 लिखते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा? नहीं करेगा, बोलिए तो फिर इस फार्मूले का मतलब क्या है? मैंने अभी बोला है
इन केस अगर मान के चलिए कि किसी इम्प्लाई का एज 45 है, तो फॉर्म भरते समय से ऑप्शन आता है कि ऐसा है कि आपका एज अगर 18 से लेकर के 40 तक है तभी आप भर सकते हैं। तो हम इसमें कौन सा क्राइटेरिया ऐसा दें ताकि ये पता चल जाए कि ये इस व्यक्ति का एज अभी कंप्लीट नहीं हुआ इस फॉर्म के हिसाब से। तो इसके लिए कोई फार्मूला नहीं लगेगा, देखिए मैं बता रहा हूं, एज की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे कंडीशन दिया जा रहा है कि 18 से कम नहीं और 40 से बाद नहीं, तो एक बिटवीन वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया जाए। बिटवीन का मतलब होता है बीच का नंबर, मतलब इस पूरे सेल को आप सिलेक्शन करिए, डाटा टैब में जाइए और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे आइए। अब इसमें आपको लेना है होल नंबर, क्या लेना है होल नंबर, और यहाँ पे डाटा में आपको बिटवीन लेना। यहाँ पे पूछ रहा है मिनिमम कितना वैल्यू देना चाहते हैं, 18 देना चाहते हैं, और मैक्सिमम 40 देना चाहते हैं। मतलब अगर 18 से कम हो तो भी छांट देगा, अगर 40 से ज्यादा हो तो भी छांट देगा। ओके करिए, अब यहाँ पे 17 लिखिए, एंटर करिए, रिट्राई दोबारा ट्राई करिए, इस पे आइए, देखिए रिट्राई रिट्राई बार बार दिख रहा है, मतलब इसके हिसाब से ये ऑप्शन क्या है, गलत है। इसमें बताया जा रहा है कि इसमें 17 वाला वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर ये मैटर आपको दिख रहा है द वैल्यू यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड, ये यूजर हैज रिस्ट्रिक्ट वैल्यू दैट कैन बी इंटर्ड इन टू दिस सेल, तो प्रॉपर आपको मैसेज नहीं समझ में आया। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई मैसेज भी दे सकते हैं, जैसे मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं एज अलाउड ओनली 18 to 40, या एज अलाउड बिटवीन 18 to 40, ऐसे मैसेज दे सकते हैं प्रॉपर ना। तो देखिए मैसेज देने के लिए आपको करना क्या है, पुनः पूरे सेल को आप सिलेक्शन करिएगा, डाटा टैब में आइएगा और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे आना है, इसमें आपको आपने क्लिक किया ही है, यहाँ पे आपको इरर अलर्ट पे आ जाना, कहाँ पे आना है इरर अलर्ट, और यहीं पे आपको मैसेज लिखना, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा एज अलाउ अच्छा एज अलाउ बिटवीन तो बिटवीन 18 to 40। अब यहां से ओके करिए, अब देखिए आपका ये मैसेज चेंज हो गया होगा, 12 लिखेंगे मैटर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर जब ऑलरेडी हम सेटिंग कर ही दे रहे हैं तो फिर इस मैसेज का क्या मतलब है। तो देखिए जैसे ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मान के चलिए कि आप किसी कंपनी में काम करने चले गए और वहां आपको ऐसा डेटा मिल गया जिसमें इंप्लाइयों का एज बहुत ज्यादा भी है और बहुत कम भी है, और उसमें क्राइटेरिया आपको दे दिया गया कि इसमें वही इंप्लाइयों को आप रखिएगा जिसका मिनिमम एज 18 हो और मैक्सिमम एज 40 हो, बाकी बच्चों को आप मत रखिएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये क्राइटेरिया लगा करके आप उस फॉर्म को भरते हैं, उस डेटा की एंट्री आप करते हैं, तो इसमें आपको मैसेज मिल जाएगा और वही बच्चे को सेलेक्ट करेंगे जिसका एज 18 होगा और मैक्सिमम 40 होगा, इससे आपसे कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि जब गलती करेंगे तो ये इंटरफेस आएगा, ये मैसेज आपको मिलेगा क्योंकि मैसेज आपने भर दिया है, और इससे आप क्या हो जाएंगे, बिल्कुल हर तरीके से एक्टिव हो जाएंगे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, इसको हमको सही करना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। तो चलिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले अगले ऑप्शंस के बारे में बताते हैं। अब चलिए यहाँ पे दिया है पिन कोड, तो जैसे पिन कोड कितने अंक का होता है, 6 अंक का होता है, अगर 6 अंक से कम दे तो भी एक्सेप्ट ना करे और 6 अंक से ज्यादा दे तो भी एक्सेप्ट ना करे, ये भी एक क्राइटेरिया आ गया। तो इसके लिए क्या लगेगा, याद करिए मैंने आपको जो है टेक्स्ट फंक्शन में मैंने आपको टेक्स्ट लेंथ के बारे में बताया था, याद है, अरे अपर हो गया, लोअर हो गया, प्रॉपर हो गया, मैंने नहीं बताया था, मिडिल हो गया आपका, लेंथ आपका जो है लेंथ हो गया, आपका जो है लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, तो उसमें जो है लेंथ का क्या प्रयोग मैंने बताया था, किसको काउंट करने के लिए, अक्षर को काउंट करने के लिए, मतलब सबनेम में आपने कितना लेटर लिखा हुआ है उसको काउंट करके बता देगा, और उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये क्या स्पेस को भी काउंट करता है। लेकिन अगर हम पिन कोड के बारे में बात करें तो इसमें भी टेक्स्ट लेंथ का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि लंबाई की बात हो रही है, किसकी, पिन कोड की, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 6 अंक होना चाहिए, तो
तो पुनः पूरे नंबर पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिएगा, पूरे सेल को आप डाटा टैब में चले जाइएगा और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे आना है। डाटा वैलिडेशन पे आने के बाद सेटिंग पे आना है और यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ लेंगे क्योंकि टेक्स्ट की दूरी की बात हो रही है, टेक्स्ट की लंबाई की बात हो रही है। और यहाँ पे बिटवीन नहीं लेना है, यहाँ पे आपको इक्वल टू लेना है, मतलब बराबर हो कितने के, 6 के। और ओके करिएगा, अभी ओके नहीं करना, अभी आपको मैसेज देना है ना, आप एरर अलर्ट पे आ जाइए। और यहाँ पे दिया हुआ स्टाइल में स्टॉप दिया है, यहाँ पे एक और भी ऑप्शन है जैसे वार्निंग का सिंबल आपको मिलेगा, और यहाँ पे लिख दीजिएगा पिन कोड वैलिड ओनली 6 डिजिट, बस ओके करिए। अभी तो स्टाफ का सिंबल आ रहा था ना, आप देखिए यहाँ पे कुछ नंबर टाइप करिए, कह रहा है कि पिन कोड 6 अंक का वैलिड है, लेकिन आप इसी को पिन कोड बनाना चाहते हैं तो चलिए यस कर दीजिए। अरे कुछ फॉर्म भरते हैं तो वार्निंग देता है ना कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसको एक्सेप्ट करवा देते हैं। चलो यार जो बाद में होगा सो देखा जाएगा, अभी तो एक्सेप्ट करो। और यहाँ पे मैंने लिखा 27 43 04 56, एंट्री करेंगे नहीं, आप कहेगा ये वैलिड नहीं है, आप नो करके हटा सकते हैं, हटा दीजिए आप इसको, सही वाला लिखिए। अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक्सेप्ट करने नहीं देगा, कहेगा कि ठीक है एंटर करिए, अगर आप इसी को मानना चाहते हैं तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसे सेलेक्टेड किस पे है, किस पे सेलेक्टेड है, नो पे सेलेक्टेड है, मतलब ये वैल्यू आप गलत कर रहे हैं, ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन फिर भी आप इसी को एक्सेप्ट कराना चाहते हैं तो चलिए यस कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब चलिए मोबाइल नंबर के लिए क्या होगा, बस 6 के जगह पे 10 रख देंगे, तो चलिए इसको बस बता दे रहे हैं, आधार नंबर वाला आप करिएगा। इसको मैंने सिलेक्शन किया, पुनः चले आइए डाटा टैब में और डाटा वैलिडेशन पे, और यहाँ पे आने के बाद सेटिंग पे आइएगा और यहाँ पे क्या लेना है, अच्छा टेक्स्ट लेंथ ही लेना है, बस यही है कि इसमें हम 6 दे रहे थे, इसमें कितना दे लेंगे, 10 देंगे। और यहाँ पे क्या ले लेंगे, इक्वल टू ले लेंगे यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे लेंथ में मैंने दे दिया 10, और यहाँ पे इरर अलर्ट पे आ जाइएगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा इन्फॉर्मेशन, अब इन्फॉर्मेशन आपको देगा कि मोबाइल नंबर वैलिड कितने अंक का, उसके लिए हम क्राइटेरिया दे देंगे जितना नंबर होगा, अगर बाहर का होगा तो उसके लिए उतना क्राइटेरिया हमको देना पड़ेगा ना, जितना नंबर देंगे उसके हिसाब से काम करेगा। बस करा मोबाइल नंबर नॉट वैलिड, वैलिड ओनली 10 डिजिट, आप यहां से ओके करिए, इन्फॉर्म करेगा आपको, देखिए मैंने यहाँ पे भर दिया, एंटर करिए, एक्सेप्ट कर लिया, 99 35 13 12, क्या कह रहा है मोबाइल नंबर गलत बता रहा है, अगर वैलिड है तो कितना, मात्र 10 डिजिट, ओके करिए, इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, इन्फॉर्म आपको कर रहा है, लेकिन फिर भी आप गलती कर रहे हो, कोई दिक्कत, यही आज की क्लास में आपको जानना था। हाँ आधार नंबर के लिए 12 हो जाएगा, सेम ऑप्शन वही रहेगा, कि उसको बता सॉरी सर, हमको लगा उसको भी बताना पड़ेगा। सॉरी